हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज़ होने वाली जनरल नॉलेज बुक का, जो कि है दिशा पब्लिकेशंस जनरल नॉलेज कैप्सूल विद करंट अफेयर अपडेट्स। ये बुक आपके बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, रेलवे एग्जाम्स के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम में आपके लिए काफ़ी काम आने वाली है। प्रॉपर जनरल नॉलेज अप टू डेट दी हुई है। तो चलिए इस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ये इसका कवर फेस आप देख सकते हैं, फिफ्थ एडिशन की बुक है, 2021 लेटेस्ट, सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है। ये बुक 2-in-1 है, आपको जनरल नॉलेज के साथ साथ करंट अफेयर्स की अपडेट भी इसी एक ही बुक में मिल जाएगी। ये देखिए इसके कुछ कंटेंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप तो इनको पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कुछ मैं आपको जैसे बता देता हूँ, जैसे बिल्स एक्ट, पॉलिसीज, अवार्ड्स, ऑनर्स, हूज, पॉपुलर टर्म्स, इंपॉर्टेंट नेशनल ऑफिशियल्स, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑफिशियल्स, कंट्रीज, उनके हेड्स, COVID-19 का इम्पैक्ट, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें करंट अफेयर्स में कवर की गई हुई हैं। उनको कैसे एक्सप्लेन किया गया, कैसे मैंशन किया है, वो भी मैं आगे इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए आप, इसकी एक शॉर्ट सबमी उन्होंने पहले बता दी हुई है, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर इन इंडिया, इसका प्रॉपर इंडेक्स दिया हुआ है उन्होंने। ये देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे इंडिया एट अ ग्लैंस 2020 के बारे में उन्होंने प्रॉपर मंथ वाइज बता रखे करंट अफेयर्स। ऐसे नेक्स्ट पेज पे बाकी के मंथ्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक पूरे वर्ल्ड का उन्होंने बता रखा है 2020 में क्या क्या अपडेशन आई हैं। मंथ वाइज आपको मिलेगा सोशल इकोनॉमी और पॉलिटी का भी उन्होंने अलग अलग बाइफर्केशन दिया हुआ है। अगला टॉपिक है अपॉइंटमेंट 2020 में कितनी अपॉइंटमेंट हो रखी हैं। जैसे जनवरी मंथ का प्रॉपर उन्होंने डेट वाइज बता रखा है, ऐसे फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे मंथ्स का, पूरे कैलेंडर ईयर का उन्होंने दे रखा है जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। हर साल ये अपनी बुक को अपडेट करते हैं। अगर आप 2021 का लेना चाहते हैं तो इसका एडिशन भी अब तक लॉन्च हो चुका होगा। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐसे ही अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में बता रखा है, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इंडिया में दिए जाते हैं, अर्जुन अवार्ड्स हो गया, द्रोणाचार्य अवार्ड्स हो गया, फिल्मफेयर अवार्ड्स हो गए, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स हो गए, वो सारे अवार्ड्स का प्रॉपर बाइफर्केशन यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। टॉपिक है पॉलिसीज एंड स्कीम्स 2020 में जितनी भी स्कीम्स मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है, वो सारी स्कीम्स को यहाँ पर दिया गया है। काफी अच्छे से चीज़ें कवर किया। उसके बाद बिल्स एंड एक्ट 2020 में नए बिल्स और एक्ट पास किए हैं पार्लियामेंट ने, वो सारे एक्ट का यहाँ पर शॉर्ट में समरी दी हुई है। उसके बाद फेमस बुक्स एंड ऑथर्स जो 2020 में पब्लिश की गई हैं उनके बारे में डिटेल है। देन ऑब्चुअरीज 2020 के बारे में डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद पॉपुलर टर्म जैसे COVID-19 से रिलेटेड है, क्वारंटाइन से रिलेटेड है, प्लाज्मा थेरेपी, इन सबको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स जो भी 2020 में पास की गई हैं, वो सारी जजमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे ऑनरेबल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी पिक्चर्स के साथ उनकी टर्म ऑफ ऑफिस को भी बता रखा है, अपॉइंटमेंट डेट, रिटायरमेंट, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। और उसके बाद हूज हू मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक होता है इस बुक में, इसको भी कवर किया गया है। आपको अलग अलग जगह जाकर सर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही बुक में एक ही पेज पे आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी इनकी बुक की। जैसे चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, स्टेट वाइज, यूटी वाइज सारी डिटेल्स इसमें दी हुई हैं, कौन से चीफ मिनिस्टर इस टर्म एक्टिव हैं, कौन सी पार्टी है। ऐसे इंपॉर्टेंट और नेशनल इंटरनेशनल ऑफिशियल्स के बारे में भी अच्छे से बताया गया है। फिर 2020 के एग्रीकल्चर में के बारे में, रेलवे इन्वॉल्वमेंट के दौरान 2020 की हाईलाइट्स दी गई हैं यहाँ पर, बैंकिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ा है, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए हैं।
रेलवेज़ में क्या चेंजेस हुए हैं वो सारा बताया गया है, और नेशनल इवेंट्स के टाइमलाइन डेट्स के अकॉर्डिंग उसको मेंशन किया गया हुआ है। देन COVID-19 से रिलेटेड अलग ही इन्होंने चैप्टर बना के दिया हुआ है, देख सकते हैं सारी COVID-19 से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो भी रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मेंशन किया हुआ है इस बुक में। मैं आपको बता दूँ कि कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं इसको अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए लिख के आया था, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको शेयर कर लूँ। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी रिसेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। आप देख सकते हैं सारे लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस इसमें उन्होंने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल एग्जाम्स के हमारे 100 क्वेश्चंस उन्होंने रिसेंट कवर किए हुए हैं। करंट अफेयर्स का टॉपिक फिनिश हो जाता है, उसके बाद हमारी जीके का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने इंडियन हिस्ट्री के बारे में कवर किया है। मेडिवल हिस्ट्री देन मॉडर्न हिस्ट्री उसके बाद वर्ल्ड की हिस्ट्री के बारे में भी उन्होंने अच्छे से यहाँ पे चैप्टर दिया हुआ है अलग से। देन नेक्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर का अलग से टॉपिक अलग से चैप्टर दिया गया है इस बुक में, पूरी नॉलेज आपको एग्रीकल्चर के बारे में अच्छे से समझा रखी है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ क्रॉप्स क्या होते हैं, फूड क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स, जहाँ पर जरूरत पड़ी है वहाँ पर टेबुलर फॉर्म में अच्छे से मेंशन कर रखी हैं चीज़ें। एंड इंडियन पॉलिटी का टॉपिक आ जाता है, कॉन्सेंस वगैरह ये सब कुछ इस बुक में रहने वाला है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जरूरत है वहाँ पर उन्होंने टेबलेट फॉर्मेट में सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप चार्ट फॉर्म में देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को चार्ट फॉर्म में बड़े अच्छे से प्रेजेंट किया हुआ है। वो काफ़ी हैंडी है, हाथ में बहुत अच्छे से ग्रिप में आ जाती है। इसके बाद इंडियन इकॉनमी का चैप्टर है, आप देख सकते हैं इसकी सारी कवरेज, क्योंकि हम कई बार शॉप्स पर जाते हैं तो वहाँ पर घाई घाई में ऐसे ही बुक परचेज कर लाते हैं जहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मैं आपको इस वीडियो में हर एक टॉपिक बहुत ही बारीकी से दिखा रहा हूँ, आप इसी से अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इस बुक को आपको बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं GST के बारे में भी प्रॉपर बता रखा है यहाँ पर। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस का भी चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है, कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में अच्छे से बता रखा है। उसके बाद देखिए बजट को प्रॉपरली टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है, चार्ट टेबल्स ग्राफिक्स भी काफ़ी अच्छे बुक्स में यूज़ किए हैं उन्होंने। उसके बाद जनरल साइंस का टॉपिक शुरू हो जाता है, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स को कवर किया हुआ है, देन आगे जाकर आपको केमिस्ट्री मिल जाएगी, देन लास्ट में बायोलॉजी दी हुई है। यहाँ पर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट अलग टॉपिक दिया हुआ है, लास्ट में कंप्यूटर्स की भी इंपॉर्टेंट टर्म इस बुक में कवर की हुई है, कंप्यूटर की भी नॉलेज दी हुई है शॉर्ट में। उसके बाद इंडियन रेलवे का अलग से चैप्टर पूरा कवर किया गया है, इंडियन रेलवे के बारे में समझाया गया है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को मेंशन किया हुआ है, इंडियन रेलवे में यूज होने वाले एब्रीवेशन को अलग से दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं सारी स्टेट्स को सारी यूटीज का प्रॉपर डिटेल दिया हुआ है, उनकी कैपिटल, उनका एरिया, उनकी लैंग्वेज, लिटरेसी रेशो, फेस्टिवल्स, डांस, सारी चीज़ों को प्रॉपर टेबलेट फॉर्म में अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ है। काफ़ी ऑल इन वन बुक है, आप अलग अलग सोर्सेज से इन चीज़ों को सर्च करते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें एक ही बुक में यहाँ पर मिल गई हैं। नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया,
एनिमल, नेशनल बर्ड, सारी चीज़ें अच्छे से इसमें मेंशन की हुई हैं। उसका डिफेंस एंड सिक्योरिटी का भी अलग से टॉपिक यहाँ पर प्रॉपर चैप्टर दिया हुआ है। फर्स्ट इन इंडिया मेल, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अलग से पूरा टेबल दिया हुआ है इसका। वर्ल्ड की कैपिटल, उनकी गवर्नेंस और कंट्री की करेंसी का भी प्रॉपर चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसको भी स्टडी कर सकते हैं। लास्ट में इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, जैसे नेशनल यूथ डे, वाटर डे, योगा डे, आपको सारे डेज यहाँ पे मिल जाएंगे। ये था इस बुक का ओवरव्यू, मैंने आपको दिखा दिया। इनके अलग अलग सब्जेक्ट में और भी बुक्स आती हैं, इसकी MRP 210 है। मैंने इसको अमेजोन से परचेज किया है और वहाँ पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट पे थी, मुझे 150 के आसपास मिली है। मैं लिंक इसका मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके इसका करंट प्राइस देख सकते हैं। अमेजोन पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं बुक्स पे। ये थी आज की हमारी यह वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ आपके कोई और डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।